अस्सलाम वालेकुम, मरो न्यूज़ से मैं हूं हरामजादा और आज हम आपको बताएंगे इस लॉकडाउन की वजह से हरामी मेरा मतलब हमारी नौजवान नस्ल किन किन मुश्किल से गुजर रही है और इस तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे लाहौर के इलाके हीरा मंडी एक सेकंड किस क्षूति ने डाली हीरा मंडी की लोकेशन है, हमें नौजवानों के मसले बताने हैं, उनकी ख्वाहिशें नहीं, लोकेशन चेंज करो। जी नाजरीन, तो लाहौर के इलाके डिफेंस में मौजूद हमारे नुमाइंदे याया बिचैनी हमें आगाह करेंगे वहाँ की सूरत हाल से। जी याया बिचैनी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शाहजहान हरामजादा साहब कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया। ठीक है यार, तुम चुतिया पे मत करो, जो काम बोला है वो करो, मेरे बाद में उठा लेना। ओके सर, तो हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिनका नाम हारिश है और वो घर से अपने चुपके सिगरेट पीने के बाहर आए थे पर हमने उनको पकड़ लिया। अब वो हमको बताएंगे कि इस लॉकडाउन की वजह से उनको घर में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जी हारिश बताएं हमें। नहीं मैं नहीं बताऊंगा यार, कुत्ते के बच्चे को बोलो बच्चों दिया निकले, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सॉरी यार भाई, प्लीज बता दे यार भाई। सही बात बताऊं? बिल्कुल बताओ। अब्बा जी ने ना भुंड मारी हुई है, हमारे घर बिग बॉस चल रहा है और अब्बा जी अपने आप को सलमान खान समझ रहे हैं। एक और बड़ा मसला हमारे लिए सिगरेट पीने का भी है, सिगरेट खरीद के लेके आके घर पे छुपा के पीना ये पूरा एक मिशन बन के रह गया हम लोगों के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो सारी खत्म हो गई हमारी, घर के पंखे साफ कर लिए, कुकिंग कर ली, बर्तन धो लिए, अब एक छोटा सा काम रह गया है, एक हमारा अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, रुखसती भी करवा दो हमारी। यार अब्बा ने एक महीने में इतनी नमाजें पढ़वा दी जितनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी और अब्बा ने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि दो तीन नमाजें तो मुझे बगैर गुसल के पढ़नी पड़ी हैं। हारिश कचरा फेंक के आओ। आया। तो नाज़रीन आपने देखा किस तरह हमारी नौजवान नस्ल के सर, पुलिस आ रही है सर, पुलिस। हेलो हेलो हेलो, बाहर क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? मीडिया सर, मीडिया। कौन सा मीडिया सर? सोशल मीडिया। मारो भड़वों को। ओए ऐसे बचाओ, हराम भर साहब बचाओ।